ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैंने किया कि दुनिया वालों ने वकारे रसूल को नहीं समझा, और जब रसूल समझ में ना आया तो अली समझ में ना आया। भाई अहल बैत उस वक्त समझ में आएंगे जब रसूल समझ में आएगा। अजीजान ग्रामी, आज की गुफ्तगु मेरी यहां से शुरू होती है। कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सारे पढ़े लिखे हजरात हैं, खुदा करे मैं आपको समझा सकूं। अजीजा निगरामी, जनाब इब्राहिम के बाद दो सिलसिले चले, एक जनाब इसहाक का सिलसिला और एक जनाब इस्माइल का सिलसिला। जितने अंबिया आए जनाब ईसा तक, वो सारे जनाब ईसा के सिलसिले से। सिर्फ हमारा रसूल खत्मी मर्तबत, वो जनाबे इस्माइल के सिलसिले से। अब ये मेरे अल्फाज हैं कि या अल्लाह, आपने कोई दूसरा नबी, कोई दूसरा रसूल जनाबे इस्माइल के सिलसिले से क्यों नहीं पैदा किया? कोई दूसरा रसूल भी आ जाता इस्माइल के सिलसिले से तो हो सकता है कि जवाब मिले कि अगर कोई दूसरा रसूल आता इस्माइल के सिलसिले से तो वो कह सकता था रसूल को कि अगर आप इस्माइल की औलाद से रसूल हैं तो मैं भी इस्माइल की औलाद से सिलसिले से हूं और बराबरी हो जाती। तो अल्लाह ने ये भी गवारा न किया कि कोई इस्माइल के सिलसिले से दूसरा रसूल आकर रसूल से बराबरी करे। अजीजा ने ग्रामी, चार औरतें बनसे कुरान निसाइल आलमीन हैं। चार औरतें बनसे कुरान निसाइल आलमीन, दो जनाब इसहा के सिलसिले से, दो जनाब इस्माइल के सिलसिले से, जनाब आसिया और जनाब मरियम इसहा के सिलसिले से, और जनाब खदीजा और जनाब सैयदा इस्माइल के सिलसिले से। फिर दो बीबियां बनसे कुरान, दो बीबियां बनसे कुरान ताहरा से, और एक जनाब इसहा के सिलसिले से, जनाब मरियम जनाब इसहा के सिलसिले से और जनाब सैयदा जनाब इस्माइल के सिलसिले से। तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर। ये दो बीबियां हैं जनाब मरियम जनाब इसहा के सिलसिले से और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब इसहा के सिलसिले से। अब यह इस्माइल के सिलसिले से, अब मैं अर्ज यहां से करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जनाब इमरान जनाब मरियम के वालदे ग्रामी उसको वही की कि मैं तुम्हें एक बेटा अता करूंगा जो रसूल होगा, साहिब किताब होगा, साहिब शरीयत होगा। जनाब इमरान ने वो बात अपनी बीवी जनाब हिना को बताई कि अल्लाह ने मुझ पर वही की है कि अल्लाह हमें एक बेटा अता करेगा जो नबी होगा, रसूल होगा, साहिब किताब होगा। अब यहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई। और जब जनाब इमरान ने जनाब हिना को यह बात बताई तो इरशाद खुदावंदी है सूरत आल इमरान में, इज काल तिमरात इमरान रब इन्नी नजरत लक माफी बतनी, या अल्लाह जो मेरे शिकम में है वो मैं आपके नजर करती हूं।
जो मेरे शिकम में है बच्चा, मैं उसको नजर करती हूँ, क्योंकि शोहर ने बताया था नबी था, नबी था, शोहर ने बताया था कि अल्लाह हमें एक बेटा अता करेगा और वो बेटा नबी होगा, रसूल होगा। तो बीबी ने कहा कि रब इन्नी नजर तुलक माफी बतनी मुहररन फतकबल मिनी इन्नक अंत समील अलीम, या अल्लाह जो मेरे बतन में है मैं उसको आजाद करती हूँ, आपके हवाले करती हूँ। बेटी को नजर नहीं कर सकते, लेकिन बीबी को अपने शोहर पर यकीन था कि नबी है, इसीलिए कहा कि जो मेरे बतन में है मैं आपके नजर करती हूँ। फल्लम्मा वज़अतहा कालत रब इन्नी वज़अतहा उनसा, जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो बीबी हैरान रह गई, या अल्लाह ये तो लड़की है। तवज्जा चाह रहा हूँ, बड़ा लुत्फ आएगा आज की गुफ्तगू, हालांकि शुरू ही गुफ्तगू मैंने आज की है आपसे। या अल्लाह कालत रबी इन्नी वज़अतहा उनसा, या अल्लाह ये तो बच्ची है, ये तो लड़की है, फिर भी नबी पर एतराज नहीं किया। हालांकि बुलाकर कहती तो आपने ये क्यों कहा था, आपने झूठ बोला था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो नबी की बीवी थी, नबूवत पर यकीन था, नबूवत पर यकीन था। तो कहा या अल्लाह ये कैसे, ये तो लड़की है, ये लड़का तो नहीं है। वल्लाह आलम बावजा, अल्लाह ने कहा मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ जो पैदा हुआ है, मैं भी जानता हूँ। वल्लाह सद्दा कर कल उनसा, और वाकई लड़का लड़की के बराबर नहीं, वल्लाह सद्दा कर कल उनसा, लड़का लड़की के बराबर नहीं। अब यहाँ मुफस्सरीन आकर और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ने जो कहा वल्लाह सज्जा कर कल उनसा, लड़का लड़की के बराबर नहीं, तो उसकी माने तो एक ये भी हो सकती है कि वाकई लड़का लड़की के बराबर नहीं, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने कहा कि वाकई ये लड़की है, लेकिन मैंने आपको ऐसी लड़की दी है जिसका कोई कुफ नहीं। तवज्जह चाह रहा हूं, जिसका कोई कुफ नहीं, जिसका कोई कुफ नहीं, जिसका कोई कुफ नहीं, यानी इसीलिए बीबी मरियम ने शादी नहीं की कि बीबी का कोई कुफ नहीं। मर्द आला औरत अदना तो निकाह हो सकता है, या दोनों बराबर तो निकाह हो सकता है, औरत आला मर्द अदना तो निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि अर्रिजाल कवामून अला निसा, मर्द हैं औरतों पर हाकिम, ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि मफजूल अफजल पर हाकिम हो, ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है, ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि मफजूल अफजल पर हाकिम हो। तो या तो दोनों बराबर हो, तवज्जो चाह रहा हूं, करीब आकर गुफ्तगू करता हूं कि या तो दोनों बराबर हो या मर्द अफजल हो। तो अल्लाह ने यह कहा कि है तो लड़की, लेकिन इसका लड़का कोई बराबर नहीं है, कोई कुफ नहीं है, और इस तरह बीबी मरियम की शादी नहीं हुई। मेरे मोहतरम सामईन, वाकई अगर यही बात है कि बीबी मरियम का कोई कुफ नहीं था और उसकी शादी नहीं हुई, अरे बीबी मरियम शादी करती तो क्या होता, किसी नबी से शादी करती तुहमतें न लगती, लेकिन शादी न हुई बीबी मरियम की तो फिर तुमने समझा नहीं, तुमने समझा नहीं कि ईसा की मां का अगर कोई कुफ नहीं तो उसकी कोई शादी नहीं होती, क्योंकि उससे शादी करते कोई नबी, कोई मासूम, कोई रसूल। तो अफसोस की बात है कि मरियम का कोई कुफ नहीं, इमरान की बेटी है, इमरान के बेटी से तो कोई शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसका कोई कुफ नहीं।
अरे अफसोस की बात है, तुम मुसलमान कहलाते हो, अरे ईसा की माँ इमरान की बेटी, अरे उसका कोई बहु नहीं तो सारी जिंदगी कमारी रहती है, उसकी कोई शादी नहीं होती। बताओ जब मरियम का कोई कुफ नहीं तो रसूल की बेटी का कैसे कुफ हो सकता है।